नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैथल में नकाबपोश बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। पुंडरी में दुकानदार पर चलाई गोलियां, बेकाब बदमाशों ने लगातार 7 राउंड फायरिंग की है। बाइक पर सवार थे सभी नकाबपोश बदमाश। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मुआयना कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हम जानकारी से आपको रूबरू करा दे जहाँ पर बाइक पर सवार थे नकाबपोश बदमाश। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएं। नकाबपोश बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। पुंडरी में दुकानदार पर गोलियां चलाई गई और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, कैथल के अंदर लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, आतंक के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। इसमें साथ साथ बात करें, नकाबपोश जो है लगातार गोलियां बरसा रहे थे। मामला आज कैथल के जो कस्बा है कुंडरी का मामला, ये मामला है और वहाँ पर दो नकाबपोश बदमाश बाइक पर आते हैं और धड़ाधड़ लगभग 7 फायरिंग वहां पर करते हैं, जबकि दुकानदार है जो वो अपना बचाव करके जो काउंटर के नीचे वो छुप जाता है। लेकिन उसके बाद भी रैकिंग करने के लिए जो बदमाश है वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जो लगातार मामले आतंक फायरिंग के यहाँ पर कैथल में देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। लगातार जो मामले है लगातार सामने आ रहे हैं और ये पहला मामला नहीं है, बल्कि ये कम से कम 7वां 8वां मामला कैथल में आ चुका है। लेकिन पुलिस, अब देखना ही होगा कि पुलिस इस पे क्या कुछ कार्रवाई करती है। बिल्कुल मनोज, क्योंकि नकाबपोश बदमाश थे, क्या फिलहाल उनकी पहचान हो पाई है? देखिए, जो दुकानदार है उसके कुछ लेन देन का जो मामला है वो मामला बताया जा रहा था, लेकिन इसको लेकर जो दुकानदार है उसने उनकी पहचान बता दी है। अब देखना ही होगा कि पुलिस उन पर कार्रवाई करती है या फिर ऐसे जो बेवकूफ है, जो बदमाश है, ऐसे ही घूमते रहेंगे। जी बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।